top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. यहाँ ऐसी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने और जो किसान यहाँ आए थे उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन हिंदुस्तान की किसान की जमीन नहीं देंगे. बीजेपी के प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को वायदा किया था कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो ये कांग्रेस पार्टी का हिंदुस्तान के किसानों का जो बिल है इसको मैं खत्म कर दूंगा. तीन बार उन्होंने ऑर्डिनेंस किया, तीन बार वो ऑर्डिनेंस लाए और अंत में उन्होंने अपने मन की बात कही. कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगी और जो कांग्रेस पार्टी का बिल है उसको हम खत्म नहीं करेंगे. तो ये कांग्रेस पार्टी की जीत जरूर है, मगर उससे भी पहले ये हिंदुस्तान के किसान की जीत है. लोकसभा में हमारे 40-45 एमपी हैं और मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूं सर, आप मुंह मत बंद कि वो आपके लिए जबरदस्त तरीके से लड़े. मैंने उनको सूट बूट का नाम दिया है. मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों दिया. एक व्यक्ति था, सूट बूट पहना था, उसे नदी पार करनी थी तो वो नदी के पास गया. वहां पे उसको एक मल्ला मिला नाव में बैठा और उसने मल्ले से कहा, भैया नदी पार करनी है, सूट पहना हूं, गंदा ना हो, आप मुझे पार ले जा सकते हो. मल्ला कहता है, हां जरूर साहब ले जाऊंगा. सूट वाला बैठता है, 10 मिनट होते हैं, बातचीत शुरू होती है. सूट वाला कहता है, भाई बताओ एक बात बताओ, तुम विज्ञान पढ़े हो? मल्ला कहता है, नहीं साहब हम विज्ञान तो नहीं पढ़े. सूट वाला कहता है, अरे भाई तुम्हारी 25% जिंदगी तो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, तुम्हें क्या मालूम. 10 मिनट और होते हैं, पूछता है, भैया एक बात बताओ, विज्ञान नहीं पढ़ा, गणित तो पढ़ा होगा. मल्ला कहता है, नहीं साहब गणित नहीं पढ़ा मैंने, हिंदी कर लेता हूं मगर गणित तो नहीं पढ़ा. अरे भाई 50% जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई, 5 मिनट और होते हैं. सूट वाला कहता है, अच्छा बताओ तुमने कभी कंप्यूटर चलाया है?